गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेज एंड देयर रोल इन नेशनल इकोनॉमी। दिस लेक्चर विल बी बेनिफिटेड फॉर द स्टूडेंट्स व्हिच आर स्टडीइंग बीएससी थर्ड सेम एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो इंटरेस्टेड इन द हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट स्पेशली इन ओलरी कल्चर। तो द टर्म वेजिटेबल इज अप्लाइड टू द इजबुल हर्बेसियस प्लांट आर प्लांट पार्ट्स देयर ऑफ विच आर कंज्यूम जनरली इन द अनराइप स्टेज आफ्टर कुकिंग। सब्जी शब्द ऐसे उससे रिलेटेड है जिन साके पौधों का प्रयोग जो है हम सब्जी के रूप में करते हैं, ऐसे पौधों को हम वेजिटेबल कहते हैं विच आर कुक्ड, कुकिंग पकाने के बाद अनराइप स्टेज में वो प्रयोग की जाती हैं। ऐसे जो हर्बेसियस साके प्लांट हैं उन्हें हम सब्जी के रूप में पुकारते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। द बैलेंस डाइट कंटेन एडिक्वाइट एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स दे आर कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्री फूड। दे प्रोड्यूस टेस्ट इंक्रीज एपेटाइट एंड प्रोड्यूस फेयर अमाउंट ऑफ फाइबर्स। एज यू नो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिगार्डेड एज प्रोटेक्टिव फूड। दे ये जो होती है रक्षात्मक भोजन होती हैं और इनमें मिनरल तथा न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है एंड न्यूट्रलाइज द एसिड्स विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। सब्जियों में जो पोषक तत्व तो प्रेजेंट होते हैं वो हर फसल में अलग अलग होते हैं। जैसे पीज एंड बीन्स आर इनरिच इन प्रोटीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं मटर तथा सेम जो हैं वो प्रोटीन में बहुत ही हायर होती हैं उनमें, और ये हमारे मसल्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जो हमारे मसल्स हैं शरीर की, इनके लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन। नेक्स्ट रूट्स क्रॉप सजेज टैपियोका स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर वेल नोन फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें आपको कार्य करने के लिए एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से जितने भी रूट वेजिटेबल सजेज स्वीट पोटैटो टैपियोका या पोटैटो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम पोटेशियम या फी आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विच आर लैकिंग इन सीरियल्स एंड दे आर अवेलेबल इन एबंडेंट क्वान्टिटी इन द वेजिटेबल्स सच एज पीज बीन्स स्पिनच एंड भिंडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे लिए मनुष्य के लिए 10 मिनरल्स खनिज जो हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं शरीर के लिए, और इसमें कैल्शियम फास्फोरस तथा पोटेशियम का विशेष महत्व है। और ये सीरियल्स अनाजों वगैरह में उतने अच्छे नहीं पाए जाते जितना कि सब्जियों में पाए जाते हैं, इसलिए सब्जियों का सेवन हमारे लिए हितकर रहता है। सो ऑल द लीफ एंड फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस द रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज। नाउ सीरियल नंबर आई एम गोइंग टू टेल यू डाइटरी फैक्टर। जो भोजन का कारक है वो उसका तथा सोर्स इनके कौन से वेजिटेबल, तो जैसे कि कैलोरीज ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है स्वीट पोटैटो टैपियोका या मृतालू कोलोकैसिया कॉर्न्स पोटैटो ओनियन गार्लिक इमैच्योर सीड्स ऑफ पीज एंड बीन्स। नेक्स्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन जो मसल्स के लिए होता है उसका बहुत अच्छा सोर्स है पीज गार्लिक काउपी एमरंथस लीव्स डबल बीन। नेक्स्ट विटामिन ए कैरेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से हमें आँखों की रोशनी कम हो जाती है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो इसके लिए हमें विटामिन ए के रूप में सब्जियों में कैरेट में बहुत अच्छी विटामिन ए पाई जाती है, स्पिनच में पाई जाती है, टर्निप ग्रीन सलजन जो है ग्रीन अवस्था में रहता है उसमें बहुत अच्छा विटामिन रहता है, मस्टर्ड ग्रीन में भी बहुत अच्छा विटामिन ए रहता है जिसे हम बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। विटामिन बी पीज ब्रॉड बीन लीमा बीन गार्लिक एस्परगस कोलोकैसिया एंड टोमेटो आर द एबंडेंट इन विटामिन बी। विटामिन सी टर्निप ग्रीन ग्रीन चिलीज मस्टर्ड ग्रीन एमरंथस कोरिएंडर कैरीफ्लावर नोलखोल स्पिनच कैबेज बीटर गोल्ड रेडी स्लीव आर द एबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट कैल्शियम,
करी लीफ जिसे हम लोग मीठे नीम भी कहते हैं, विटामिन कैल्शियम इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, एमरंथस लीड, मेथी, टर्निप, कोरिएंडर, पालक, आयरन, जम आयरन आप लोग जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कैरियर तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए इसके लिए बहुत आवश्यक है आयरन की। आप लोग जानते हैं आयरन की कमी से लेडीजों में एनीमिया रोग हो जाता है, तो इसलिए आयरन का विशेष महत्व है। प्रेग्नेंट लेडी को तो आयरन की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो इसके लिए ड्रमस्टिक लीव्स एंड फ्रूट्स एमरंथस, मेथी, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, लेट्यूक एंड कैबेज, दीज आर द एबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन, डेसेज एमरंथस तथा रूट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मिल्क, पी पार्ट्स एंड कैबेज लीव्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल मिल्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन द नेशनल इकोनॉमी, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स इन नेशनल इकोनॉमी। नंबर एक, एनुअली वी प्रोड्यूस अबाउट 129 million tons ऑफ वेजिटेबल फ्राम एन एरिया ऑफ 7.98 million hectare। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम जो हमारा प्रोडक्शन है वेजिटेबल का 129 million tons प्रोड्यूस होता है और फ्राम 7.9 million hectare, कंट्रीब्यूटिंग 4% टू द वर्ल्ड प्रोडक्शन। विश्व का उत्पादन का 13.4% जो सब्जी उत्पादन वो हमारे देश में होता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डाटा 2009। वेजिटेबल क्रॉप्स हैव हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड वेजिटेबल वर्थ ऑफ ₹443 crores आर बींग एक्सपोर्टेड एनुअली बोथ इन फ्रेश फार्म आर प्रोसेस्ड फार्म। हमारे देश से जो वेजिटेबल्स का निर्यात है वो प्रत्येक वर्ष 443 crore rupees का होता है और ताजे रूप में तथा प्रोसेस, इसके जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं जैसे टोमेटो केचप है और पोटैटो चिप्स है, तो इस प्रकार से हमारे देश से 443 crore rupees का एक्सपोर्ट होता है एनुअली। एपीडा इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट। एपीडा जो संस्था है इसका रोल बहुत अच्छा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। ट्रेडिशनल वेजिटेबल लाइक ऑनियन, पोटैटो, भिंडी, बिटर गोल्ड एंड चिलीज एंड नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल लाइक एस्पर्गस, सेल्डी, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पीज एंड चेरी टोमेटोज हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बाई एपीडा फॉर एक्सपोर्ट। जो परंपरागत वेजिटेबल हैं सब्जियाँ हैं जैसे प्याज है, आलू है, भिंडी है, करेला है, मिर्च है, और जो आधुनिक सब्जियां हैं जैसे एस्पर्गस, सतावर है, सेल्ली है, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, इसका ये एपीडा द्वारा इसको एक्सपोर्ट के लिए मान्यता दी गई है और लिस्ट किया है। एमंग द डिफरेंट वेजिटेबल 77% ऑनियन प्रोड्यूस इज बींग एक्सपोर्टेड, दस अर्निंग वेलेबल फॉर एक्सचेंज टू द कंट्री। हमारे देश से लगभग 70% ओनियन का प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट होता है, आप लोग ये जानिए, और ये काफ़ी अच्छा, इससे हमें फॉरेन मनी प्राप्त होती है देश को। ओनियन एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स आर बीइंग इंपोर्टेड बाय गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज से इनका जो आयात बहुत, जैसे श्री सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, इन देशों से इसका बहुत अच्छा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इन देशों से इम्पोर्ट किया जाता है। नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल आर बीइंग इम्पोर्टेड बाय द ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया एंड गल्फ कंट्रीज। जो नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल हैं इन देशों के साथ द्वारा हमारे यहाँ से इम्पोर्ट की जाती हैं। आउट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ वेजिटेबल ओनली 1% इज बींग यूटिलाइज बाई द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो वेजिटेबल हमारे यहाँ पैदा होते हैं उसका केवल 1% जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ये बहुत ही हमारे यहाँ डिसमेरिट है। इन रिक्वायर्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज कंट्रीब्यूट 25% लॉस ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस। हमारे देश में जितना सब्जियों का प्रोडक्शन होता है तो जो सही स्टोरेज फैसिलिटीज ना होने के कारण प्रिजर्वेशन, हमारे यहाँ का सब्जी उत्पादन 25% तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। By improving post harvest technique we can ensure year round availability of vegetable। या हम post harvest technique जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है post harvest management अच्छे तरीके से कर लें तो हमारे यहाँ vegetable की all round availability पूरे साल उपलब्धता बनी रहेगी और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से this is the
importance of vegetables in human nutrition and importance in the national economy. और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको किसी को अगर बीमार व्यक्ति है तो उसको लोग पॉइंटेड गुआर लो, हमेशा डॉक्टर कहता है कि अगर आप बीमार हुए हैं और फिर से जवान होना चाहते हैं तो आपको परवल खाना चाहिए। परवल सबसे बढ़िया कानवल वेलनेस के लिए, इसे परवल यूज करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग जानते हैं मधुमेह में बिटर गुआर का यूज होता है, तो मेडिसिनल वैल्यू भी वेजिटेबल की बहुत अधिक है। जैसे आप अगर आपको इम्नोसिया है या नींद नहीं आती, इसके लिए भी है। और इसके अलावा एक होती है जिसको मूत कुछ की बीमारी कहते हैं, तो इसके लिए आपको मूली खाना चाहिए, मूली डायरेटिक होती है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो लौकी खाना चाहिए, बोटल गार्ड, वो लैक्जेटिव होती है जो मल को ढीला कर देती है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक महत्व है वेजिटेबल का, आप बहुत ही इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी रोशनी चाहिए तो कैरोटीन जिसमें हो वो वेजिटेबल लीजिए। तो इस प्रकार से आप वेजिटेबल को द्वारा आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई टू इंक्लूड स्पाइसेज इन द डाइट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पाइस, मसालों के क्या महत्व है। स्पाइस कंटेन एन इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ प्लांट डिराइव्ड केमिकल कंपाउंड दैट हैव बीन हैव डिजीज प्रिवेंटिंग एंड हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज। जो मसाले ऐसे रसायन को कंटेन करते हैं जो हमें डिजीज रोग ग्रसित होने से बचाते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य को प्रमोट बढ़ाने में या अच्छा रखने में मददगार होते हैं। दे हैव बीन इन यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर देयर एंटी इंफ्लेमेटोरी कार्मिनेटिव एंटी फ्लैचुएट प्रॉपर्टीज। ये पुराने समय से इन सब गुणों के कारण, जैसे कि इंफ्लेमेटोरी सूजन वगैरह न हो, कार्मिनेटरी सुगंध के लिए, बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज यूज कर रहे हैं, तो हमें भी यूज करना चाहिए। आई विल टेल यू अगेन अबाउट स्पाइसेज बिकॉज देयर इज लिमिटेड स्पेस। एंड स्पाइसेज में आप जानते हैं कि स्पाइस हमारा देश जो है होम ऑफ स्पाइसेज कहा जाता है, मसाले का घर कहा जाता है। और केरल में सबसे ज़्यादा स्पाइस का प्रोड्यूसन होता है, जैसे काली मिर्च है, मसालों का राजा कहा जाता है। इस प्रकार से स्मॉल कार्डामोन है, छोटी इलायची मसालों की रानी कही जाती है, और इनका विशेष अपना महत्व है। तो मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।